चल के मोबाइल नंबर 199 और कौन जाएगा आपके साथ? बीच का कस्टमर 9 1 4 1 1 1। कॉपियाँ क्या सारी आप इनकी चार के नाम है जो चलो चलो आज आपने साथ आ मोबाइल नंबर बोलो 9 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
हेलो ऑन बिहाफ ऑफ लीगल सेल हिमाचल प्रदेश श्री वेद प्रकाश ठाकुर सेक्रेटरी पीसीसी श्री देवन भट्ट कोऑर्डिनेटर लीगल सेल हिमांशु कुमरा प्रेस कोऑर्डिनेटर एंड मिस्टर पवन जी सेक्रेटरी। आप लोग जानते हैं कि कोविड 19 का जो चक्र है ये पूरे देश में क्या विदेश में इसकी परिपूर्ण तरह से लोग परेशान हो चुके हैं और हम ये आपको अवगत करना चाहते हैं। आज हमने कंप्लेंट फाइल की है मिस्टर तेजेंद्र ठाकुर और अन्य हमारे महाधिवक्ता जो कि एडवोकेट जनरल्स की पोस्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल की पोस्ट में दे वर्किंग इन एडिशनल एडवोकेट ऑफिस, किस तरह से इन्होंने पूरी प्रजातंत्र को और पूरे हमारे ये जनतंत्र जो है जिसको हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की फेलियर को किस तरह से खिलवाड़ किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि हिमाचल में जिस तरह से ये कोविड 19 फैल रहा है गवर्नमेंट टोटली फेल रही है। सुपरिटेंडेंट पुलिस मंडी ने एक लेटर SP शिमला को डेटेड 22 जुलाई 2015 को दिया जिसमें यह ग्रह किया गया कि मिस्टर तेजेंद्र कुमार जो हैं ही वॉज अंडर कोविड ऑपरेशंस और वो कोविड अफेक्टेड हैं और उनके टेस्ट चल रहे हैं। विदाउट इंटीमेटिंग SP मंडी ने SP शिमला को कहा कि इसको या तो क्वारंटाइन करें या उनको क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन करना पड़े या एडमिनिस्ट्रेशन करें। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर आप इस सेक्शन तक देखिए कि ना तो उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया ना ही उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया और ही वॉज रनिंग अराउंड होल शिमला। और ये इतनी बड़ी एक बेवकूफ़ी की है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और इन लोगों ने कि इससे आज हमारा शिमला क्षेत्र साफ नहीं है, बहुत लोग अफेक्टेड हो गए हैं। और आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी कि आज हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से लीगल सेल की बिहाफ पे कंप्लेंट करने आए जिससे कि ये जयराम सरकार जो सो चुकी है जिनके हाथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, लोग खुद बचो, कोविड 19 की प्रॉब्लम इनको कुछ नहीं, दे डोंट हैव एनी प्रिवेंटिव मेजर, कुछ नहीं कर रहे हैं ना क्वारंटाइन कर रहे हैं, जो लोग बच रहे भगवान भरोसे बचे, श्री राम जी बचा रहे हैं। तो मैं आप लोगों की तरफ से ये आगाह करना चाहता हूँ कि लोग जो हमारी गवर्नमेंट ने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे को कुछ एक मेजर्स दिए हैं कि उनको हमारे को प्रिवेंटिव मेजर्स को करना है वो खुद अडॉप्ट करें बिकॉज गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। डिमांड क्या किया आपने कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो सो गया है, एक गरीब आदमी उसके घर में डेथ होती है तो उसको प्रेस के लिए बनाने के लिए उसको पास बनाने के लिए 25% चक्कर SDM और DC के लगाने पड़ते हैं। वेयर SP वॉज स्लिपिंग, वेयर DC वॉज स्लिपिंग, वेयर SDM वॉज स्लिपिंग, बिकॉज ये VIP कल्चर है, ये गरीब आदमी के लिए कानून नहीं चलेगा। Article 21 अगर राइट ऑफ लाइफ देता है तो इसको बाइंड माइंड भी करना पड़ेगा। आपने जो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो ये फेलियर रहा है गवर्नमेंट का इसको क्लैरिफाई करें लोगों के सामने आए। और हर आदमी को अधिकार है जीने का, पर इन परिस्थितियों में हर आदमी जी नहीं पाएगा, इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इनके अगेंस्ट एक्शन लिया, हमने भी पुलिस SHO सदर को ये कंप्लेंट दी है और अगर इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे जनबंधन के साथ सड़कों पर आएगी और इनके अगेंस्ट एक्शन होगा। थैंक यू सो मच। मैं देवेन भट्ट SPCC कोऑर्डिनेटर लीगल सेल
और ये हमारे बड़े आदरणीय भाई वेद प्रकाश ठाकुर जी, ये HPCC सेक्रेटरी हैं। आज हम एक कंप्लेंट करने आए जो रिगार्डिंग, अभी आपने सुना होगा कि मंडी से कुछ एडवोकेट्स आए थे और हमारे एक यहाँ पे एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उनकी वजह से हम जो प्रशासन से भी मिले, प्रशासन बड़े बड़े अधिकारियों जिनको आप समझ सकते हैं कि वो पब्लिक डीलिंग की सीट्स हैं, बड़ी अथॉरिटीज से मिलेगी, रोज़ वो कितने लोगों से मिलते होंगे, तो अब इसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। कल ही एक AG ऑफिस जो उनका PN था, उससे उनके 5 फैमिली मेंबर्स को भी ये कोविड हो चुका है, कल वो पॉजिटिव आ चुके हैं। तो मैं इस बारे में थोड़ा आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुआ है सब कुछ। ये शुरू हुआ कि मंडी में एक ड्राइवर हैं देवेंद्र कुमार, उनको वो किसी ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं जिनके पास हेल्थ के यहाँ पे ठेके हैं पूरे हिमाचल में मैस वगैरह के, तो उनको ये जो कोविड होता है उस मतलब उनको सिम्टम्स आते हैं, कोल्ड होता है, टेम्परेचर होता है, तो उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं ZS मंडी में। मंडी में उनको बोला जाता है कि चलो आप कोविड को ये पेंडेमिक जो चला हुआ है इसको देखते हुए आप हम आपको इसकी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कोविड की, तो वो रिपोर्ट अभी आई नहीं होती है। और ये जो एक ठेकेदार हैं हमारे, वो उनका नाम है ज्ञानचंद चौहान जी, और एक तजेंद्र जी, और एक नंदलाल जी, जो अपनी फैमिली के साथ उस ड्राइवर को लेके मतलब धर्मशाला भी घूमते हैं और कांगड़ा, शिमला, मंडी, हर जगह घूमते हैं, और इन्हें पता है कि वो ड्राइवर मतलब इस पेंडेमिक के टाइम में उसको टेम्परेचर है, कोल्ड है, और उसका कोविड टेस्ट अभी आया नहीं है, तो इनको क्या ज़रूरत थी। मतलब एक इंटेंशनल इनका तरफ से जो ये प्रयास हुआ है स्प्रेड करने का इस कोरोना का, वो हम इसको मान सकते हैं। और ये जो लोग, इनकी वजह से आज हाईकोर्ट भी बंद हो चुका है, आप देख रहे हैं, कई और जैसे यूनिवर्सिटी में भी सील हो गया है, हमें रेलवे बोर्ड बिल्डिंग देख रहे हैं, कई मतलब काफ़ी कुछ हो चुका है, और इतने मरीज आ रहे हैं। तो हमारा ये पॉलिटिकल आज बिल्कुल भी नहीं है, हम एक इंसान के नाते इस चीज़ को यहाँ पर एक कंप्लेंट कराने आए हैं, और देखते हैं प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। पर अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो कांग्रेस कमेटी, हम सरकार से मांग कर रहे हैं अभी भी, और अगर नहीं तो फिर उसके बाद हम सड़कों पर उतरने को भी तैयार हैं इस मामले में। थैंक यू।